ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଶନ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିବ। ଟନେଲ ଭିତରେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ 13 ଦିନ ପରେ ଆଲୋକ ଦେଖିବେ 7 ରାଜ୍ୟର 41 ଶ୍ରମିକ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହୀରାକୁଦରୁ ଗଲା ଅଗର ମେସିନ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ 41 ଜୀବନ। ଉତ୍ତରକାଶୀର ସିଲକେରା ଟନେଲ ଭିତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମିଶନ ଜୀବନ। 13 ଦିନ ହେବ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସିଥିବା 41 ଶ୍ରମିକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 19 ଏଜେନ୍ସି ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଅଗର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଡ୍ରିଲିଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏପଟେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀକୁ ଯାଇଛି ହୀରାକୁଦରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଗର ମେସିନ୍। ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଗର ମେସିନ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା ଅଗର ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରାୟପୁର ଗ୍ୱାଲିୟର ଦେଇ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅଗର ମେସିନ୍। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଗର ମେସିନ୍ର ଓଜନ 380 ଟନ୍। ଗୋଟିଏ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଓ 6 ଟ୍ରଲର୍ରେ ମେସିନ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପଠାଯାଇଛି। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମେସିନ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଅଗର ମେସିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଅଗର ମେସିନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମେସିନ୍ଟି ହୀରାକୁଦ ହିଣ୍ଡାଲକୋ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती है उन सब के बारे में जानकारी देता। हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। एक स्पेशल एक टीम बुलाई गई जो जीपीए एक होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम जीपीआर की है, पार्सन्स करके एक है उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशल टीम इमरजेंसी में बुलाई गई। सुडंग भीतर फसीथिबा श्रमिकों को उद्धार करिया पई चलीथिबा कार्य अंतिम पर्याय पहुंची छि। ए पर्यंत 57 मीटर रु पाखापाखी 50 मीटर पाइप ड्रिलिंग करा जाय छि। गतकाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल रे उपस्थित रही स्थिति अनुध्यान करथिले। 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିଲିଂରେ ସମସ୍ୟା ଓ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମିଶନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। कोई दिक्कत नहीं आई है, सामान प्रिपेरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो समय तो देना पड़ेगा। दो पाइप और जाने हो जाएगा, चेक किया तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं दिख रही है, मिली भी नहीं चाहिए। 5 मीटर तक तो नहीं, 5 मीटर तक कर पाया वो, 5 मीटर तक कोई रुकावट नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो मलबा उस साइड ऐसे स्लोप में होगा। वर्तमान सुधा मेसिन 3 थर भांगीबा जोगु उद्धार प्रक्रिया विलंब होईछि। दीर्घ 13 दिन धरी टनल भितरे फसीथिबा श्रमिकक स्वास्थ्यवस्था मध्य संगीन हेबा आशंका रहितिबारु उद्धारकारी टीम एथिप्रति सतर्क होईछन्ति। टनल भितरकु जेपरि कम धूळी ओ धुआं जीव सेथिपई ସତର୍କତାର ସହ ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଟନେଲ ଭିତରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା 32 ଇଞ୍ଚର ପାଇପ୍ ଜରିଆରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। 40ରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ହେଲିକପ୍ଟର। ନିକଟସ୍ଥ ମେକ୍ସିଫ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ଏମ୍ସ ଋଷିକେଶରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। अभी देखिए ऐसा है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मीनू सिंह, उनकी देखरेख में हमारा जो इंटरनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है एम्स ऋषिकेश का, उसके अंतर्गत अभी नया अपडेट तो ये है कि मतलब हमने अभी एक डॉक्टर्स की टीम तैयार की है, डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स की,
तो इन केस ज़रूरत पड़ती है तो हमने गाड़ी भी एक बैकअप के लिए रखी है अभी, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स को भी भेजा जा सकता है वहाँ। हेलीपैड में ऐसा है कि जो साइट से अगर इन केस ज़रूरत पड़ती है श्रमिकों को यहाँ एम्स ऋषिकेश में लाने की बाई एयर, तो हमारे पास तीन हेलीपैड्स को मतलब हेलीपैड्स हैं एम्स ऋषिकेश में, तो तीन हेलीकॉप्टर एक साथ यहाँ पर लैंड किए जा सकते हैं। 13 दिन है 5 जन ओडिया समेत 41 जन श्रमिक टनेल भितर फसी रही। निर्माणाधीन टनेल भुशुड़ी पड़ नवेम्बर 12 तारीख रु बचापी संघर्ष करमिक। आज श्रमिकों उद्धार संभावना थी टनेल उद्धार कार्यर रिहर्सल डेमो देखा एनडीआरएफ। योजना अनुसार एक 3 फुट पाइप भितर दे जन जनक श्रमिकों बाहर करक लगी एक स्ट्रेचर प्रथम भितरक जीव बाहर पटर एक शक्त दौड़ी एही स्ट्रेचर रे बंधा हो रखु जड़े श्रमिक स्ट्रेचर उपरे सोई रहिबे और एपटे बाहर पाखर उद्धारकारी टीम दौड़ी माध्यम रे स्ट्रेचर सह श्रमिकों टाणी बाहर को आणपरी जनक जड़े श्रमिकों उद्धार पर प्रति थर स्ट्रेचर को भितरक पठाव। एनडीआरएफ टीम प्रस्तुति उद्धार कार्य शीघ्र शेष होगा आशा बढ़ाई। समस्त निरापदे टनेल भितर बाहर करने लगी प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन रो समय जेते कमुची देशरे लोकमानंक मध्यरे उत्कंठा सेते बढ़ुची। तेबे आउ किछि समय परे टनेल उद्धार हेबे समस्त 41 श्रमिक। उत्तर कैसरी वीडियो जर्नलिस्ट नीरज को सह मनोज मोहंती अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।